आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सखी सहेली कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। कैसे शुरू करेंगे, हमने अपनी तो तैयारी नहीं की। कल मनाई थी, आज कल थी और आज मना रहे हैं। हम लोग तो जश्न का मौका ढूंढते रहते हैं। हाँ, 330 वाला लेना। वो तो लेना ही रहेगा, एक तो सारे लेने ही। बताए ना आपने कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है। वो देखो पीछे तान पानी तुम्हारा, ऐसे ही शुरू कर रही है। जैसे शुरू करती हूँ सखी सहेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजन और बुआ का नमस्कार, और दो जून के स्थापना दिवस के अवसर पर सखी सहेली की के जन्मदिन पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं जैसे करते हैं बस, ठीक। या नमस्कार न करके ऐसे ही बोलते हैं, स्वागत है आप सभी का राजन और बुआ की ओर से, और स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं ऐसे करते हैं। नमस्कार नहीं देते हैं। नमस्कार एक साथ नहीं देते, एक साथ। अच्छा, एक साथ करें जैसे करते हैं स्टार्ट। हाँ, वैसे ही ना, केवल नमस्कार, सिर्फ नमस्कार। नहीं पूरा, मैं राजुल सखी सहेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को ना राजुल और बुआ का ना वैसे। हाँ ठीक है। सखी सहेली सुनने वाले सभी सखाओं को, सखियों को राजुल और बुआ का नमस्कार। और भाई आज जो हम दिवस मना रहे हैं खास, वो क्यों मना रहे हैं ये आप सब जानते हैं। 2 जून को सखी सहेली का जन्मदिन आप सबने भी मनाया और हमने भी मनाया, और इस अवसर पर हम लेकर हाजिर हैं आज का ये विशेष कार्यक्रम। तो पहले बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज ये खास कार्यक्रम जो है फेसबुक पर सजीव आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इसी के साथ यूट्यूब से भी जुड़ जाइए आप और लीजिए मजा इस कार्यक्रम का। और खास क्या है? खास तो भाई बहुत कुछ है, क्योंकि अब जब सखियों की बात होती है ना, तो सखियों की बातों के साथ तो हर बात विशिष्ट हो जाती है। और विशिष्टता की इस श्रेणी में आज तो हमारी वो सभी सखियां जुड़ रही हैं जिनको समय समय पर आप सुनते रहे हैं। हर दिन के साथ एक नई सहेली होती है ना, तो वो सब आ रही हैं। भाई तुम कहो सहेलियां, हम कहेंगे बिटिया और बहुरिया। जी हाँ, तो हम मिलेंगे उनसे और बातें करेंगे, लेकिन श्रोताओं से कैसे जुड़ेंगे भाई? जुड़ते तो रोज है, आज कैसे जुड़ेंगे? श्रोताओं के संदेश है भी रहे हैं, नहीं भेजे सखा का जो वो हमारे साथ साझा करें और बात बताएं हमें उसके बारे में। बिटिया हमारे साथ ही भाई लोग हैं, तो भाई ऐसा है कि ये आपके लिए भी है। सोचिए कि केवल सखी की ही सहेली होती है, सखाओं की भी सहेली होती है और सहेलियों के भी सखा होते हैं। तो बातें कुछ भी हो, मित्रता की बात है बस जी। तो मित्रता तो कहीं पर भी हो सकती है, तो इस मित्रता की इस कड़ी में
आप भी जुड़िए, और अगर नहीं भेजा है अब तक अपना संदेश तो जरूर भेजिए। वैसे बुआ, जब ये हम तो इंतजार कर रहे हैं और जो अभी पढ़ने को मिले हैं थोड़े बहुत जी, मतलब सुन सुन के मजा आ रहा है कि क्या क्या मजेदार यादें ताजा हो रही हैं सबकी। किसी ने लिखा कि एक एक है जिनको बिल्कुल एकदम रिक्शे पर पैदल चलती ही नहीं थी वो, उनको रिक्शा ही चाहिए होता था हर समय। जी तो भाई ऐसी सहेलियां होती हैं, लेकिन कुछ चुलबुली बातें आप जरूर साझा करिए। इसके संग संग एक बात और हम चाहते जो हैं, वैसे तो आपकी मर्जी, आप आजाद हैं, लेकिन मजा आएगा कुछ चुलबुली चटपटी सी बात हो। हमेशा बड़ी हम आदर्श वाली बात करते हैं और ऐसा लगता है कि इस मंच पर बैठ गए तो कुछ दे ही दे प्रवचन, ऐसा मत करिए बुआ। वैसे ये मत कहिए, चुलबुली बातों में भी हम लोग आदर्श की बात तो कर ही रहे हम लोग मित्रता की बात कर रहे हैं जी हाँ। तो उसमें भी कहीं ना कहीं आदर्श ही छुपा हुआ है। और वैसे बुआ, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज है विश्व साइकिल दिवस, और साइकिल जो है वो एक बड़ी अच्छी सी दोस्त रही है हम सबकी, सवारी है और बहुत गंतव्य तक पहुंचाती है, पर्यावरण की भी दोस्त है। लेकिन एक खास बात और हम अपने साथियों को बताना ये चाहते हैं कि आज जो गीत हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो आपके बड़े अनसुने से गीत होंगे। जी हाँ, यानी कि जो कॉमर्शियल आप रोज सुनते रहते हैं सुबह से शाम तक विविध भारती से, वो नहीं होंगे। लेकिन जो भी होगा वो बहुत ज्यादा दिल को छूने वाला और हृदय तक पहुंचने वाले गाने चुन चुन कर हम लेकर आए हैं। तो चुन चुन कर लेकर आने में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथी ने जो चुन चुन कर मोतियों से अपने शब्दों से पिरो कर अपने संदेश भेजे हैं वो रह न जाए। हाँ, तो शुरुआत करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये साइकिल की ही अगर हम बात कर लें तो साइकिल दिवस जो है वैसे 2018 में बकायदा घोषित किया गया था, लेकिन हमारे श्रोताओं के जो संदेश आए हैं ना साइकिल के बारे में, एक श्रोता कहते हैं कि भारत में भी साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई और आजादी के बाद से बहुत समय तक ये यातायात व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा रही, और बहुत सारे परिवारों के पास 1960 से लेकर 90 तक साइकिल थी और व्यक्तिगत यातायात का सबसे ताकतवर और किफायती साधन थी। तो ऐसा है ना कि अब हम सोचते हैं कि बस यहाँ पर लगा दो, बस पैडल ही तो रोकना है, एक गीत सुन लेते हैं। हाँ, पैडल चलाना रोक कर ब्रेक लगा देते, आसान नहीं है और मतलब अरे आसान बहुत है। हाँ, बस एक पैडल ऐसा करिए, ब्रेक भी ना लगाए, धीमी अगर गति है तो रुक जाती है और हम गीत गुनगुनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बोल। तो ये जो गीत है इसके बारे में कुछ बता दिया जाए। ये शुभा मुद्गल जी का गाया हुआ गाना है। तो हम इसको तेज कर सकते हैं, क्यों दिक्कत होगी? अच्छा, तो भाई कुछ तकनीकी बात है इसका, हम यहाँ पर स्टूडियो में नहीं सुन सकते, लेकिन जो बातें हैं वो हमें साझा करनी है। तो हम कुछ कुछ जो संदेश है राजुल बिटिया, उनको हम पढ़ना शुरू कर दें। बिल्कुल जी। तो एक साइकिल की सवारी को लेकर हमारी एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि बचपन के वो दिन जब भाई से मिलने वाली छोटी साइकिल जिसे चलाकर साइकिल चलाना सीखी थी जी। जब चलानी आ गई तो हमेशा साइकिल चलाने के लिए मन ललायित रहता था, लेकिन रोज भाई के लिए पैसा मिलना, भाड़े के लिए पैसा मिलना मुश्किल था। तो मैं और मेरा भाई हमेशा मेहमान आने की राह देखते थे, जैसे ही कोई घर आता हम दोनों साइकिल के लिए पैसे मांगते थे और मिल भी जाते थे, क्योंकि माँ को मेहमान से बात करनी होती थी और उसे दूसरे उसके सामने हमें मना करने पर मेहमान पैसे देने के लिए कहते थे, जो कि माँ को मंजूर नहीं होता था, तो सारे से मिल जाते थे पैसे। अच्छा, एक बात और भी तो थी कि माँ जो सोचती थी कि भाई मेहमानों को हम अच्छे से उनकी देखभाल कर लें, उनको कुछ खिला पिला दे और ये जो बच्चे हैं वो तंग ना करे तो कहीं दूर हट जाए तो बेहतर ही है। ये हम लोग के संग भी होता था और मेरे समय में तो घर में एक साइकिल हुआ करती थी, आंगन में खड़ी रहती थी। एक बार शौक चराया तो दीवार के सहारे से धीरे धीरे साइकिल चलाना शुरू किया, वो भी जब दिन में सब लोग आराम से सो रहे होते थे तब। एक तो बात पढ़ा करते और घुटने बड़े मजे से छिलते थे और उनका रंग और गाढ़ा हो जाता था जब उस पर पपड़ी जमती थी तो पैर सीधा नहीं होता था तो, और उस पर जब हवा लगती थी पंखे के नीचे कितना दर्द होता था। तो बातें ऐसी ही होती हैं साइकिल चलाने के बाद। भाई हमारे संग तो ऐसा होता था कि मामा जी के जब लड़के आते थे तो भैया जब हमारे आते थे उनकी साइकिल बहुत ऊंची थी,
लेकिन बस मतलब उनसे कोई बात हो कुछ हो मन ही नहीं लगता था, बस लगता था कि ये साइकिल की चाबी दे और हम बस लेके भाग जाए, चाहे वो मई जून की धूप हो चाहे कुछ भी हो, और भाग जाते थे कैंची चला चला के टेढ़े होके चलाते थे क्योंकि साइकिल बहुत ऊंची थी, हम बहुत छोटे से थे, तो बस जैसे लगता था कि इस समय जो ये है हवाई जहाज से कम नहीं है, मतलब वो जो सपने होते हैं साइकिल के वो एक बार जब कैंची चलाने के बाद जब गद्दी पे बैठने का मौका आता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि दुनिया के बादशाह हम और सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में। भाई हमारी एक सहेली थी, वो क्या करती थी कि वो एक पार्क में जाती थी, वहां पर बेंच थी और बेंच पर ऐसे टिका लेती थी पैर और उस पर बैठ गया साइकिल पर और बड़े मजे से चला लेती थी और सबसे कह दिया कि हमको चलाना आ गया। लेकिन उनके भाई ने आके कहा, सिर पर ऐसे थोड़ी सी चपत दी और कहा कि जिंदगी पर तुम्हें ऐसी बेंच मिलेगी क्या, सड़क पर चढ़ना सीखो किसी तरह से। तो तब जाकर चढ़ना सीखा। चढ़ना जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी कला है साइकिल पर, तो दिक्कत हो जाती है और उसमें बहुत डर भी लगता है। बिल्कुल बुआ, जैसे अभी बात हम कर रहे थे ना कि साइकिल से जुड़ी बातें हमारी एक सहेली की, उन्होंने याद साझा की है कि वो दिन याद है जब मेरा भी साइकिल सीखने को बहुत मन करता है। जी। घर में साइकिल नहीं थी, 8-10 घर का ही छोटा गांव था, एक दो लोगों के पास ही साइकिल थी, अगर किसी तरह मांगने पर मिल भी जाती थी तो पुराने जमाने की 2 CCTV कैमरे थे, मतलब 2 बूढ़ी दादी पुराने ख्यालातों की गलियारे में जैसे ही पहुंचते हम दोनों बहनें बड़बड़ाना शुरू कर देती और हम डर कर भाग जाते और हम साइकिल चलाना सीख ही नहीं पाए। पर खुशी इस बात की जरूर है कि अपनी बेटी को सबसे पहले सिखलाई साइकिल चलाना। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। जब साइकिल का जमाना था तभी स्कूल और ट्यूशन जाने में रास्ते में सखी और सहेलियों से भी बातें होती थी, लेकिन आज वर्तमान में साइकिल से लोग कम चलते हैं, ज्यादा देर लोग गाड़ी का ही प्रयोग करते हैं, ऐसे में सखियां और सखाएं दोनों ही दूर हो रहे हैं। सखी सहेली की बगिया यूं ही गुलजार रहे, हमें गर्व है हम सभी इस परिवार के सदस्य हैं। और हमारे साथी ने ये लिखकर भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने लिखा है कि ये विविध भारती चैनल का नाम नहीं है अपितु एक संस्कार है, जरूरत है इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। वाह क्या बात है, ये इनका कहना ही हमारा सबसे बड़ा प्रचार है। जी हाँ बिल्कुल। और एक हमारी सखी ने साइकिल चलाने को लेकर एक अपना अनुभव साझा किया है कि हम साइकिल चलाना ना सीखें ये कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों मामा और नाना सबकी अलग अलग साइकिल थी। जिस दिन मेरे मामा की हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट में ड्यूटी होती थी, साइकिल घर पर रहती थी, तो हम घर में रात में खाना खाने के बाद कॉलोनी के सड़क पर चलाना सीखते थे। नानी बहुत मना करती थी, गिर जाओगी, हाथ पैर टूट जाएगा, तो शादी में बहुत दिक्कत होगा, पर किसी चीज का जुनून तो जुनून होता है। भैया बढ़ावा देता था, सामने में पत्थर आया, गिर गई और अंगूठा चेन में फंस गया और बहुत ही चोटिल हो गया, गहरा घाव हो गया। उस समय तो मार नहीं पड़ा पर बाद में बहुत डांट पड़ा, टिटनेस का सुई लेना पड़ा, स्कूल कितने दिन तक बंद रहा, उसके बाद फिर कभी साइकिल नहीं पकड़ी, पर हाफ पैडल तो चला ही लेती थी मैं। साइकिल की वो कारगुजारी चिन्ह स्वरूप पैर में पड़ी है और साइकिल चलाने की याद दिलाती है। तो यादें बहुत सारी हैं। तो सोनाली बिटिया खड़ी हैं हमारे, आ चुकी हैं, पता नहीं साइकिल से आई हैं कि स्कूटर से आई हैं कि कार से आई हैं, तो इन्हें हम बुला लेते हैं। क्यों राजन बिटिया, लो आ भी गई। तो सोनाली जो है ये बताएंगी अपनी सहेली की कुछ बातें, और तो साझा कर लिया जाए क्या हाल चाल। नमस्ते कर लो। कर लिया। नमस्ते कर लिया इन्होंने, तो हमारे श्रोता इस समय देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और समझ भी गए। जी जी। तो सखियों सहेलियों की चुलबुली बातें जब चलती है तो बचपन याद आ जाता है बुआ जी, है ना। तो इसीलिए तो यही तो हम कह रहे हैं कि बचपन याद आ जाना चाहिए सबका। जी। और जैसे सहेलियों की बातें हैं वो तो दिन में एक आध बार मिलती है, पर मेरी 3 बहनें और हम घर में ही सहेलियों जैसा हमारा माहौल हुआ करता था। और एक बार ऐसे हुआ कि मेरी माँ और चाची को मैंने बात करते सुन लिया कि इनका कहीं दोपहर को जाने का प्लान बन रहा है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि अरे मैं भी, हमारी टीचर जो है उसे छुट्टी ले लेती हूँ और मैं भी आ जाऊंगी इनके साथ, मैं चली जाऊंगी। और मैंने ये बात अपनी बहन से बता दी कि मैं आज छुट्टी लेने वाली हूँ और मैं जाने वाली हूँ। अच्छा। उसको तो इतना तकलीफ हुई कि अरे ये अकेली जाएगी। अच्छा, बहन को। कैसे हो सकता है। तो मैं धीरे से गई और हमारी मैडम से बोली कि हाँ, मैडम से बोला कि मेरा ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा। तो मुझे छुट्टी चाहिए। तो टीचर बोले अच्छा सच्चे में दुख रहा है। मैं कहा हाँ टीचर बहुत दुख रहा है, बहुत पेट में दर्द है। तो बोले ठीक है जाओ घर जाके आराम करो। और बस मैं जैसे ही बाहर निकलने वाली थी, बगल के क्लास में मेरी छोटी बहन पढ़ती थी, उसने देखा कि अरे ये मम्मी और चाची के साथ ये बाहर घूमने जाएगी। तो उसने क्या किया, वो भी गई टीचर के पास दौड़ी दौड़ी,
टीचर टीचर मेरी नाक में दर्द हो रहा है नाक में दर्द था, नाक में दर्द हो रहा है। टीचर समझ में आ गया टीचर को कि ये जरूर इनकी बहनों की मिली भगत है, और टीचर ने हम दोनों की छुट्टी कैंसिल करवा दी। मुझे इतना गुस्सा आया। तो देखिए नाक में दर्द कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ गाल पे हाथ रख के कहा था कि नाक में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि अक्सर यही होता है, भूल जाते हैं हम, यहाँ रखते हैं हाथ और कहते हैं नाक में दर्द, जब बहाना बनाते हैं, है ना, बहाना बनाते हैं, तो यही होता है। तो ऐसी जो बचपन की यादें रहती ना, हमेशा हमारे दिल में तरोताजा रहती है, पर वो शरारत मुझे आज भी याद है बुआ जी। तो भाई ऐसी शैतानियां होती हैं बहुत सारी जगहों पर। एक हमारे जानने वाले थे, तो उनके भी घर में ऐसे चार पांच बच्चे थे पड़ोस में, तो क्या करते थे कि दादी वगैरह जो लड्डू बना के रखती थी, तो वो अलमारी में रखती थी ना, जाली वाला अलमारी होती थी, या ऊपर टाण पे रख देती थी। अब वो रख दिया, अब सबने कहा कि दोपहर का समय, सब लोग सो रहा है, या घर में से सब लोग बाहर गया हुआ था, तो उन्होंने कहा चलो हम लोग चुरा के खा लेते हैं। तो एक तो ऐसे उकड़ू बन गया, उसके पीठ पर दूसरा चढ़ गया, और एक को दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि दादी जब आएंगी तो बता देना। अच्छा, जैसे ही दादी आई तो उसने घर में इधर नहीं बताया, दादी को कहा कि देखो वो लोग लड्डू चोरी कर रहे हैं, और वो जो धड़ाम से सारे के सारे गिरे तीन चार। तो वो एक इस तरीके की जो बदमाशियां होती हैं, जो भाई बहनों वाली, वो भी दोस्तों से कम नहीं होती, कम नहीं होती बिल्कुल। तो ये तो बड़ी मजेदार बातें हैं, सखी सहेली ऐसे ही बनी रहे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली, थैंक यू सो मच। तो बुआ भाई, ये तो साइकिल की बात भी चल रही है और सखियों की भी बात चल रही है, तो एक और संदेश है जो हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से शुरुआत में ये प्रोग्राम सिर्फ आधे घंटे का हुआ करता था, बाद में एक घंटे का हुआ। तब मैं सिर्फ एक श्रोता के नाते प्रोग्राम का लुत्फ उठाता था, सेवानिवृत्त होने के बाद नियमित सुनता आया हूँ, और सबके नाम लिखे हैं इन्होंने कि इन सभी की मीठी नोकझोंक सुनने में बड़ा सुकून मिलता है। क्या बात है। तो भाई 3 बजे की बात है, तो सभी ने लिखा है कि कभी नहीं करती वो देरी, 3 बजते ही आ जाती है सखी सहेली, कभी आती है मौसी अलबेली तो कभी आती है बुआ चुलबुली, 3 बजते ही आ जाती है सखी सहेली, कभी सुनाती है वो कहानी तो कभी पूछती है वो पहेली, 3 बजते ही आ जाती है सखी सहेली, कभी करती है गंभीर बातें तो कभी करती है वो हंसी ठिठोली, 3 बजे ही आ जाती है सखी सहेली, कभी बनाती है वो तीखे मीठे व्यंजन तो कभी गीत गा बजा कर हो जाती है सुरीली, 3 बजते ही आ जाती है सखी सहेली। सखी सहेली की पूरी टीम को हमारी ओर से वर्षगांठ पर ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं, नमस्कार, भी बहुत सारी शुभकामनाएं जी, और ऐसे ही इनका साथ हमारे साथ बना रहे, बना रहेगा बिल्कुल। मंजरी बिटिया, आप देखो क्या बताने जा रही है। तो मंजरी जी का स्वागत है कार्यक्रम में, और अपने संदेश के साथ कुछ अपनी यादें ताजा करेंगी, और बहुत सारे साथियों ने लिख कर भेजा भी है। तो जी जी बुआ, आपको नमस्ते, और इधर राजू जी भी हैं, राजू जी आपको भी नमस्ते, मंजरी नमस्ते जी, और सुनने वाली सभी साथियों को और दोस्तों को, सखियों को मेरा नमस्कार। तो बुआ, चुलबुलेपन की बात चली है, तो बड़ा प्यारा सा किस्सा है कि मेरी जो दोस्तें थी, तो वो कई बार कहती थी कि आओ तुम क्यों नहीं आ रही हो मेरे घर, अपने घर बुलाओ या मुझे बुलाओ, ऐसा करो। तो क्या बनता था उनके यहाँ जो इतना बुलाती थी, मतलब बस खेलना है, गेम अच्छा, खेलना था, हाँ। कुछ भी खेलना है, तो कह लेंगे तुम बुलाओ या तो मैं बुलाओ। मैंने कहा चलो मेरे यहाँ साइकिल आ रही है, तुम आ जाओ, तुम सब आ जाओ। तो 3-4 लड़कियाँ आ गए मेरे घर, तो अब साइकिल नहीं थी, मुझे चलाना आता नहीं था, और पत्थर के ऊपर एक्चुअल में हम खड़े होते थे, उतरना भी नहीं आता था वो, और उस पर बैठ गए और बैठ के राउंड मारे, राउंड मारे, लड़कियां बोल रही तुम उतरो उतरो, हमने कहा मुझे उतरना नहीं आता, छोड़ दो। जब छोड़ दिया तो जो गिरे, तो जो आपने बोला था ना कि कोने में चोट लगी, तो फिर हालत ऐसी ही हो गई थी जी। भी तो सहेलियां ऐसे सिखा देती हैं, साइकिल चलाना, चढ़ना, उतरना, हर तरीके से सिखा देती हैं। अच्छा, ये इन्होंने बहुत मजेदार बात कही कि हमको उतरना नहीं आता था, जब चढ़ना ही नहीं आता तो उतरना कैसे आएगा, दोनों चीजें। इसी तरह से एक और किस्सा था कि ऐसे ही सब लोग इकट्ठे हुए सारी दोस्ती घर में, तो रात का शाम का टाइम था, अब आसपास की थी जी जी, तो आंधी आने लगी, तो एक जो लड़की थी वो थोड़ी सुंदर सी थी, तो उसको बड़ा शौक था कि मैं हीरोइन बनूं, दुपट्टा लहराऊं,
तो वो दुपट्टा जो था वो लहराने लगी, तो जैसे लहराने लगी तो दुपट्टा छूट करके वो नीचे गिर गया, उड़ गया, मतलब उड़ गया, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। क्या बात है कि मैं घर कैसे जाऊंगी, अब दुपट्टा ऐसी जगह फंसा कि मिला नहीं। तो फिर हम लोग ने कहा कि वो कहती मुझे अपना दुपट्टा दो, मुझे अपना दुपट्टा, क्योंकि बड़ों के सामने नहीं जाते थे बगैर दुपट्टे के, जी जी देना पड़ा, कुर्बान करना पड़ा एक दुपट्टा, वो वापस नहीं मिला ना फिर। हाँ समझ रहे हैं, कुर्बानी तो दे दी, लेकिन देखो आज उसी के बदौलत आज हम लोग इतना हंस पा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, और जो तुमने दिया था उस दुपट्टे की गांठ कितनी मजबूत रही होगी कि दोस्ती आज तक बरकरार है। तो भाई ऐसी जो है बंधन बना रहे सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, श्रोताओं के साथ, हम सब तो यही उम्मीद करते हैं, भले ही साइकिल पर चले चाहे गाड़ी से चले। जी, और बुआ एक ही संदेश है, कह रही है कि सखी सहेली चुलबुली चंचल ज्ञानवर्धक बातें करती हमारी प्यारी सी दोस्त, 3 बजे और उससे मिलने को मन मचल जाता है, बच्चे और परिजनों से ईर्ष्या हो रखी है, 3 बज गया अब ये फोन पर बात नहीं करेगी, यादगार सखी सहेली रही जब इसने मुझे सुबह की सैर के लिए प्रेरित किया और काफी समय कायम रहा मेरा वो नियम, मतलब अब छूट गया है। कथा सुधा का अपार आनंद और महान हस्तियां जब आती हैं, सुधा मूर्ति आदि सबसे मिलना सा हो जाता है, क्या क्या नहीं दिया हमारी सखी सहेली ने, जुग जुग जियो हमारी प्रिय दोस्त। तो भाई ये कह रहे हैं, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने ध्यान से सुनते हैं और सारी बातें याद रखते हैं, और ईर्ष्या वाली बात को जरा थोड़ा सा परे कर दें, मतलब सुन लिया करें घर वालों की बात सुन लिया करें। नहीं देखो ये अच्छी चीजों में ईर्ष्या होना तो अच्छी बात है, जैसे अब तुम कहोगी कि सत्संग में गई तो बड़ी अच्छी बात है, वो नहीं किसी से बात करती है लोग नाराज होते हैं तो कोई बात नहीं, तो ये भी तो सत्संग जैसा ही है, अगर किसी को किसी का संग अच्छा लगता है तो वो सत्संग है, और उसमें से अगर कोई अच्छी बात हम लेते हैं तो वही सत्संग है, जरूरी नहीं कि मंजीरा बजे और हम सिर्फ भगवान की फोटो लगाकर ही सत्संग करें, तो ये अगर उन्हें सत्संग लगता है तो जाहिर है कि बाकी लोग उनसे ईर्ष्या करें, बल्कि हमें लगता है राजुल बिटिया कहीं ना कहीं जो लोग अभी तक सोच रहे थे वो जुड़ भी जाते होंगे कि चलो देखते हैं तो है कि क्या सुनती क्या है, ये भी तो होता है, सुनिए भाई आप भी सुनिए अपनी सहेलियों को भी बताइए। ये हमारी एक सखी कह रही है कि आपने सहेलियों की याद की है, सखाओं की चर्चा प्रोमो में नहीं की, ये शिकायत कर दी है इन्होंने। तो भाई हमने तो कहा ही नहीं था कि केवल सहेलियां, हम लोग तो तब से कह रहे हैं कि सखाओं की भी सहेलियां जो हैं उनके बारे में बताएं, हमने ये नहीं कहा था कि कौन कौन देगा, सिर्फ आपकी सखी सहेली की बात, वो पुरुष भी हो सकते हैं, आप में सब आ जाते हैं, हमारी बहनें भी आती हैं, भाई लोग भी आते हैं, हमने सिर्फ आप कहा था आपकी अपनी सखी सहेली की बात, तो थोड़ी सी गलतफहमी क्यों हो गई ये समझ में नहीं आ रहा है, खैर गलतफहमी दूर हो जाएगी, और हमारे संग ममता जी को हम स्वागत करते हैं, उनका बुलाते हैं कि वो कुछ बातें साझा करेंगी, तब तक एक संदेश और पढ़ लेते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें आई, ममता जी बैठ जाइए यहाँ पर। और एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि 20 वर्ष पूरे हो गए, ये खुशी का दिन है, सखी सहेली के माध्यम से हम बातें करते, अपने दिल की बातें और खुशियों को बांटते, गीतों की धारा, शायरी की बौछार, हम सब मिलकर ये खास बनाते, जब भी उदासी छाए या खुशियां बाढ़े, सखी सहेली हमें एक साथ बिताने का आगाज करे, ये जीवन की राहों में एक रोशनी बने, सखी सहेली के साथ हमें खुशियों के मकान बने, और इस खास मौके पर सखी सहेली को बधाई, विविध भारती के रेडियो पर बजती रही ये पुरवाई, अपनी सखी सहेली के 20 वर्ष की गांठ पर हार्दिक बधाई, और ममता जी स्टूडियो में आई जी। सबको नमस्कार, बुआ जी आपको नमस्कार, नमस्कार मंजू जी और सभी सखियों सहेलियों को, हमारी श्रोताओं को बता दें पैनल पर बैठी है जी। बिल्कुल सामने बैठी है, और यादों के गलियारों में जब हम विचरण करते हैं तो यादों का महासागर हमारे सामने होता है, बहुत मुश्किल होता है महासागर से कुछ बूंद चुन के लाना, और सखी सहेली के साथ तो बहुत सारी यादें हैं, सखी सहेली कार्यक्रम की पहले दिन की बहुत सारी यादें हैं, हमारी जो अनाम सखियां हैं उनका बड़ा प्यार रहा है मेरे साथ, तो लेकिन आज हम उन सखियों की बातें करेंगे जो हमारी कॉलेज और स्कूल की सखियां रही जी। तो बुआ जी आप भी उस दौर से गुजर चुकी होंगी। हाँ, तुमसे बहुत पहले से गुजरे हूँ। मैं एक ऐसी याद शेयर करना चाह रही हूँ, साझा करना चाह रही हूँ कि स्कूल में पढ़ रहे थे, मतलब कॉलेज, स्कूल कॉलेज, कॉलेज में हम कदम रख रहे थे और हमारी कई सखियां थी, हम कॉलेज में बैठते थे, तो उस कॉलेज में बहुत बड़ा सा मैदान होता था और जब हमारा लंच होता था तो हम सारी सखियां खाना खाते थे, और उस स्कूल में महादेवी वर्मा पढ़ा करती थी,
मतलब हमने किताब में पढ़ा था कि महादेवी वर्मा वहाँ के पेड़ पर बैठकर कविताएं लिखा करती थी, पेड़ के नीचे बैठकर, पेड़ के नीचे कभी कई बार डालियों पर वो बैठ के भी लिखा करती थी, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम सारी सहेलियां गुट बना के वहाँ जाते थे कि शायद हमें भी कविता लिखने का हुनर मिल जाए। बहरहाल वो सारी सहेलियां धीरे धीरे दुनिया के मेले में बिछड़ती गई और यादों का कारवा मेरे भीतर दे गई। लेकिन एक ऐसी याद है जिसे मैं कभी नहीं भूलती हूँ। एक झमाझम बारिश का मौसम था और हम कॉलेज से लौट रहे थे, मतलब हम सारी सहेलियां, मेरा घर नजदीक पड़ता था, उस एक सहेली का घर बहुत दूर पड़ता था, काफी दूर, मतलब यूं कि एक आध घंटा जाना पड़े। तो बारिश इतनी तेज थी, मूसलाधार बारिश, और उस समय ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारी गाड़ियां हो चले जाएं किसी की कार से, और ऐसे साइकिल रिक्शा होता था और या फिर पैदल जाना है और साइकिल होता था। तो साइकिल की वाली जो लड़कियां थी वो तो भीगते भागते अपने घर पहुंच गई। वो एक लड़की, उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मेरे घर गई और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। शाम हो गई, शाम तक उसे भी घबराहट हो रही थी कि मैं घर नहीं जा पा रही हूँ, और तब फोन भी तो नहीं था ना, फोन भी नहीं था, और एक दूसरे के घर में आना जाना बहुत आम बात थी कि कहीं कोई बात हो तो किसी के घर हम पनाह ले सकते हैं, ऐसी कोई, मतलब अब के जमाने में पूछना पड़ता है, फोन करना पड़ता है कि आए कि नहीं आए। तो बहरहाल शाम ढली, अंधेरा होने लगा, तो भागती भागती उसकी मम्मी अंदाजे से आई, एक दो सहेलियों के घर जाके फिर मेरे घर आई, और बहुत गुस्से में तमतमाई हुई, और चूंकि बारिश से भीगी हुई थी वो लड़की, तो उसने ड्रेस भी चेंज कर लिया था, तो देखते ही एकदम भंभाभूत हो गई। कहाँ गई थी तुम, ये क्या है, तुमने कपड़े क्यों बदल लिए, और इतने सारे सवालों की बौछार की कि वो बेचारी डर गई। तो हमने कहा आंटी बारिश इतनी तेज हो रही थी कि ये घर नहीं जा सकती थी, इसके पास और कोई चारा नहीं था, यहाँ रुकना पड़ा। तो फिर जब उन्हें पता चला कि ये यहाँ पर सुरक्षित है, वो गुस्सा इसलिए हुई कि उसका एक लड़के से उसकी दोस्ती थी, उन्हें क्या लगा चक्कर कि चल रहा था, ऐसे बताओ ना तुम मेरे घर ना आकर शायद वो उस लड़के के पास चले गए। तो इसलिए वो मतलब ये माँ की जिम्मेदारी भी थी इस तरह से घबराना, तो माँ की जिम्मेदारी भी थी ना, जी है जी, कि नहीं, बिल्कुल। तो एक माँ का जो प्यार था वो इसी तरह से छलक कर आता है, है कि नहीं बात है? और वो जमाना ऐसा था कि हम हमारे लिए अड़ोस पड़ोस सहेलियों का घर अपना घर होता था, दूरियां नहीं थी, दूरियां होते हुए भी दूरियां नहीं थी। तो बहरहाल यादों के महासागर में गोते लगाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ममता जी। तो भाई देखो ऐसी ही बातें होती है ना कि तब फोन नहीं था, माँ का घबराना बहुत जरूरी था, और एक बारगी जो सामने देखते ही अपनी बच्ची के लिए जो मन में आता है और जो भय था उनके मन में, वो एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया होती है, ये वात्सल्य है, ममत्व है माँ का। तो बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश ऐसे ही लिखकर भेजा ना राजू बिटिया, एक संदेश बुआ पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बचपन से सुन रहा हूँ, अब 23 साल का हूँ। अच्छा, मेरे कोई ज्यादा मित्र नहीं है, अकेले रहना ज्यादा पसंद करता हूँ, मुंबई में गुरई के विविध भारती के केंद्र के बगल में रहता हूँ, रोज आते जाते समय देखता हूँ, बचपन में ये प्रोग्राम सुनता था पर इतना समझ नहीं आता था, माँ के रेडियो सुबह से शुरू होता परंतु जब से 6 क्लास में था तब सुबह स्कूल जाता, दोपहर घर आता, 3 बजे सखी सहेली से परिचय हो गया, धीरे धीरे समझने लगा, 2012 से सुन रहा हूँ और अब 12 साल हो गए हैं, सखी सहेली अब मेरे सबसे प्यारे मित्र बन चुकी है, अर्थात विविध भारती ही मेरा मित्र है। अरे ये तो रोज देखते हैं हम, ऐसा भी रोज सुनते हैं, चुपके कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरीके से अपना स्नेह संदेश के माध्यम से दिखाया। और ये एक हमारा श्रोता कह रहे हैं कि हम सभी मोहल्ले में रहते थे, गर्मी की 2 महीनों की छुट्टियों में 1 से 1.5 महीना तो बस बुआ दादा दादी नानी के साथ बीत जाता है, बाकी के 15 दिन हम घर में रहकर अपना गृह कार्य पूर्ण करना, बैग देखना, जिल्द चढ़ाना, ऐसे कार्य, और दोपहर में इस दोस्त से उस दोस्त के, तो कभी हमारे घर लूडो, सांप सीढ़ी, व्यापार, राजा रानी, चोर सिपाही, कैरम जैसे खेल मिलके खेलते थे। हर दिन कुछ अलग, कोई मित्र के घर में कोई मेहमान आए तो आमरस खाने को भी मिल जाता था बात बात में लड़ाई मारपीट भी हो जाती थी जी। पर कुछ समय बाद फिर वही ऐसे कि हम शाम के 6 बजे तक का समय व्यतीत करते थे, फिर रात को थोड़ी बहुत पढ़ाई और सांखली लंगड़ी, भाइयों के साथ छिपम छिपाई, इस दौरान भूत बन डराना
हमारे व हमारे सहेलियों के भाइयों का काम था। बस यही सब यादें हैं। और उसके बाद सबसे बढ़िया होता था कि हनुमान चालीसा में से वो ही पंक्ति पढ़ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अच्छा, उस समय वो शब्द सुनकर और डर लगता था, कहीं से कोई भय दूर नहीं जाता था, तो जो भय व्याप्त होता था। तो हमें लगता है कि मन्नू भौरिया को बुला लेते हैं और संदेश उनसे भी पूछते हैं कि क्या उनकी यादें हैं। जी, आप आए, स्वागत है आपका। जी, आ गई बिल्कुल। और आज सखी सहेली स्थापना दिवस पर सारी सखियों को, सखाओं को, बुआ जी आपको, मंजू जी, राजुल जी, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो बुआ जी, घटना है कॉलेज के समय की, घटना क्या है, क्या की बात है जो आज तक हमें याद है। और बात कॉलेज समय की है, और मेरा जो परिवेश था वो, मैं गांव से आती हूँ, गांव में पली बढ़ी वहाँ पे, तो हमारे यहाँ ऐसा था कि भाई तैयार होने का मतलब कि बाल में तेल लगा लो, चोटी कर लो, है ना, ऐसी चोटी कर लिया, कुछ भी ऐसी रेडीमेड कपड़े पहने, कोई मैचिंग वेचिंग कोई लेना देना नहीं था, उसका चिंता नहीं थी। तो जब मैं कॉलेज में आई तो एक साल तक तो मेरी सहेलियां जो बनी थी, दो तीन सहेलियां थी वो जो बनी थी, उन्होंने देखा मुझे एक साल तक। फिर दूसरे साल उन्होंने मेरे जन्म दिवस पर एक जो है वो कपड़ा सिलवाया, अच्छा सा सलवार सूट सिलवाया, अच्छी ऊंची हील की सैंडल ली, और मुझे मेरे जन्म दिवस पर उन्होंने ही तैयार किया। अच्छा। अच्छे से, और आईने के सामने खड़ा किया, मेकअप किया हल्का सा, और बोला कि अब देखो, अब बताओ तुम ही हो। अच्छा। तो ऐसी भी दिख सकती हो, यानी पूरा मेकओवर कर दिया। जी हाँ। तो बड़ी खुशी हुई मुझे देखकर, क्योंकि सुंदर दिखना तो हर किसी को अच्छा लगता है। तो सुंदर लग रही थी तुम ना। तो भाई ये कैसी लग रही थी ये हम बात करेंगे, लेकिन हमें लगता है समय हो गया एक अंतराल का, और मंजू जी इशारे कर रही हैं कि बस अब जो है अनुशासन में रहा जाए और अंतराल का जब समय है तो ले ही लिया जाए। कितनी सहेलियां थी, क्या मेकअप किया। के बाद हम फिर हाजिर हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर, और हम मना रहे हैं आज क्या रिलेटेड हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं सखी सहेली का। नहीं, आज हम अपने साथियों के साथ मना रहे हैं, और बहुत बाद तक मनाया जाता है, एक हफ्ते तक मना सकते हैं हम, इसकी पूरी छूट है हमको, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो ऐसे नहीं एक दो दिन मना सकते। हम बात कर रहे थे, मन्नू भौरिया ने बताया था कि इनकी साथियों ने कितनी सहेलियां थी। दो सहेलियां थी मेरी जो बहुत करीब थी, और कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेके आज तक हम जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो याद है किस रंग का कपड़ा बनवाया था। हाँ बिल्कुल याद है, याद है, गहरे नीले रंग का था, और बहुत ही प्यारा वो जो जॉर्जेट का जो मटेरियल आता है उसमें उन्होंने सिलवाया था सलवार सूट, और उस समय दिल तो पागल है फिल्म आई थी। अच्छा। तो उसको देखते हुए उसी तरह का डिजाइन किया था उन्होंने, और ऊंची हील की सैंडल, इतनी ऊंची हील की सैंडल, बहुत मतलब कंफर्टेबल नहीं थे, आरामदायक नहीं थी, लेकिन काफी अच्छा लगता था पहन के। हल्का सा काजल लगाया उन्होंने, हल्का सा मेकअप किया, थोड़ी लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई थी, और बालों में बिल्कुल बोल दिया था कि तेल नहीं लगाना। तो दिक्कत हुई? दिक्कत तो हुई, क्योंकि हुई कि बालों को हुई? नहीं, मुझे हुई, मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि अरे आज सिर धोए हैं, तेल लगाना है, बाल सूख गए, तेल लगाना है, लेकिन उन्होंने बोला लगाना ही नहीं है, और सबको ऐसे ही आना है कॉलेज। क्या बात है। धीरे धीरे आदत पड़ गई और अच्छा लगने लगा। अच्छा बुआ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूनम ने कितना सीख लिया आज, देखिए आदमी नीला कपड़ा पहने, और हम समझ गए पूनम के नीले कपड़ों का राज। यही तो हम कह रहे हैं कि इनको पता था कि और इनकी सहेलियों को भी नीला रंग अच्छा लगेगा, और वो सहेली की यादें ताजा करने के लिए इन्होंने लगभग वही जॉर्जेट का कपड़ा और वैसे ही नीला कपड़ा पहना हुआ है।
क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तें हों तो ऐसी हों, और दोस्त जो होते हैं हर तरीके के दोस्त बहुत जरूरी होते हैं जिंदगी में, इनकी बहुत अहमियत होती है। परिवार के सदस्यों की अपनी अहमियत है, लेकिन दोस्तों की भी, सखियों की, सहेलियों की ऐसी ही अहमियत है। धन्यवाद मनोज, धन्यवाद आप सभी का। तो बुआ, आप जरा संदेशों को एक बार देख लिया जाए। हमारे एक सखी कह रही है कि मेरी मिलनसार प्रवृत्ति के कारण दूसरों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती हूँ। मेरी बहुत सी पुरानी नई सहेलियां हैं। जीवन के लंबे सफर में पहले स्कूल की, मोहल्ले की, फिर जहाँ शादी के बाद गई, घर बदले, शहर बदले, मोहल्ले बदले, सहेलियों की वैरायटी बदलती रही। मॉर्निंग वॉक की छोटी बड़ी सहेलियां, समय समय पर किटी गेट टुगेदर में बहुत मजा आता था। जब मेरी बड़ी लड़की की शादी हुई तो लेडीज संगीत समय से शुरू हो गया था, मेरी पार्क वाली सहेलियों ने उसका चार्ज ले लिया था। उस दिन बहुत मजा आया था, हमारे घर में सभी ने बहुत तारीफ की। आज भी जब पुराने लोग मिलते हैं तो मेरी सहेलियों के बारे में बहुत पूछते हैं। अभी भी मैं वॉक पर जाती हूँ, वहाँ भी बहुत छोटी बड़ी सहेलियाँ बन गई हैं। पार्क में घूमने का क्रेज तो है ही, सहेलियों से भी मिलने की बड़ी इच्छा रहती है। जब भी कभी कोई नहीं आती है तो फोन करके पेश लेते हैं, क्यों नहीं आई। तो भाई होना भी चाहिए, और यही दोस्त होते हैं जो याद रखते हैं, याद दिलाते हैं और सोचते हैं कि क्या हो गया, बड़े प्यार से याद रखते हैं। हमारी साथी लिख रही कि महिलाओं के लिए धारावाहिकों का प्रसारण तो अनेक टीवी चैनल करते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जो महिलाओं के लिए हो और उसे महिलाएं ही प्रस्तुत करें। विविध भारती ने इस जरूरत को समझा और शुरू हुआ सखी सहेली कार्यक्रम। पिछले 2 दशक से ज्यादा वक्त से दिन में 3 बजे प्रसारित होने वाला विविध भारती का सखी सहेली कार्यक्रम महिलाओं द्वारा प्रस्तुत एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया। क्या तो ये जो इनका जो देखने का तरीका है और जो इन्होंने ऑब्जर्व किया, ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ सच बात है कि किसी भी चैनल में इस तरह का कार्यक्रम नहीं है। और दोस्तों, जो आपने प्यार बनाकर रखा हुआ है, ये इसकी बदौलत है कि इसकी जो क्या खूबसूरती बढ़ती जा रही है। मन्नू मौर्या का जैसे मेकअप हुआ था, वैसे मेकअप होता जा रहा है। हर साथी नए नए ढंग से प्रतिदिन कुछ न कुछ नित नया कुछ करते जा रहे हैं, और एक संदेश और है बुआ, बड़ी मासूम सी शरारत है। क्या? हम छोटी कक्षा में थे, अलाउद्दीन का एक पाठ था, कक्षा में रीडिंग कराई जाती थी। मेरी सहेली अलाउद्दीन को अलाना कहती थी। अच्छा? हम सब खिखी कर हंसते। मजेदार बात ये थी कि लिखती अलाउद्दीन पर कहती अलाना। टीचर ने समझाया, डांटा, हमारी हंसी दिखाकर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया। अच्छा? यानी साम दाम दंड भेद, लेकिन सब बेकार। वो अलाना ही कहती रही, टीचर तंग आ गई, हम खिखी करते रहे। तो ऐसी ही बातें होती हैं। तो अब हम किसको बुला लें, नेहा बिटिया को बुला लें या दीपा बिटिया को बुला लें? दोनों का दो ही अक्षर से नाम है, नेहा दीपा। तो ये लोग हाजिर हो जाएं जहां कहीं भी हों, बाद अब बा मुलाजा हाजिर हो। कौन आती है? दोनों का नाम लिया, दोनों का नाम हमने ले लिया। दोनों में से जो भी हाजिर हो जाए तब तक हम एक संदेश पढ़ रहे हैं। आकर बैठ जाए, अपना स्थान ग्रहण कर ले। हमारे साथी लिख रहे हैं कि मेरे ख्याल से सखी सहेली का प्रारंभ साल 2003 या 2004 में हुआ था। शायद उन दिनों प्रोग्राम सिर्फ महिला श्रोताओं के द्वारा प्रसारित हुआ करता था, उनके ही खत शामिल होते थे। मेरे ख्याल से शुरुआती दौर में यह प्रोग्राम सिर्फ आधे घंटे का हुआ करता था, बाद में 1 घंटे का हुआ, ऐसा मेरा मानना है। तब मैं सिर्फ एक श्रोता के नाते प्रोग्राम का लुत्फ उठाया करता था। सेवानिवृत्त होने के बाद साल 2011 से नियमित सुनता आ रहा हूँ। कोरोना काल के दौरान विविध भारती फेसबुक जुड़ने के बाद इस प्रोग्राम में हम पुरुष श्रोता मित्रों के कमेंट्स शामिल होने लगे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इन्होंने सबका नाम लिखा है, रेनू राजूर बिटिया, नेहा, मंजरी बिटिया, सोनाली, सभी उद्घोषिका बहनों के साथ मीठी मीठी नोकझोंक सुनने में बड़ा सुकून मिलता है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बातें सुनने में हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और अब देखते हैं कि दीपा बिटिया की बात सुनकर कितना किसको सुकून मिलता है। जी स्वागत है जी बुआ जी, आप सभी को और हमारे श्रोता भाई सखियों को सखी सहेली स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजू जी आपको, मंजू जी आपको, और हमारी सारी जो टीम है, सभी को बहुत बहुत। टीम में बहुत सारे लोग खड़े हैं, सदस्य हमारे। जी जी, तो ये जो बातें हो रही हैं कि सखियों की जो चुलबुली सी कहा, तो बात मैं उसकी बताना चाह रही हूँ, आगे भी और कुछ बताना चाहूंगी। अच्छा। पहले तो उसकी वो बात बता देती हूँ, बचपन से ये मेरी दोस्त है। अब तो हम दोनों ही साथ में इधर ही मुंबई रहने लगे। अच्छा। तो क्या होता था कि घर से तो थोड़े से पैसे मिला करते थे। हाँ। बाहर कुछ खाना है तो 5 पैसे, ज्यादा गड़बड़ खाना नहीं, इसे कम मिलते थे। कम मिला करते थे। बहुत कम। अब मेरा बड़ा मन करता था ऐसी खट्टी वाली चीजें, बेर है, कबीट है, ये सब है ना, कच्ची केरी, बड़ा मजा आता था सब खाने में। लेकिन अब पैसे आज खर्च कर दिए तो कल परसों कैसे क्या करेंगे। तो वो मेरे दोस्त कहते तू घबरा ना, सब हो जाएगा। और स्कूल के बाहर नहीं वो ठेला खड़ा रहता है कि जहाँ पर सब ये सारी अटरम सटरम चीजें सब होती। तो वो अपना स्कूल का बैग रख दी थी और जानबूझ करके बड़ा बैग लेकर आती।
बैग रख देती हूँ और भैया से बोलती, भैया नहीं ये तो हमें चाहिए नहीं था, ये तो देखिए आपने बेर में कितने ये खराब वाले दे दिए, थोड़े से अच्छे उलझा देती थी, उलझा देती थी, और दूसरे हाथ से हमारे बैग में ऐसे कबीर डालती जाती और हम इस तरह से अपनी जो भी जो इच्छाएं होती है वो सारी पूरे कर लेते। तो हम सोचते फिर बाद में उसे कहते ये चोरी करना अच्छी बात नहीं, बोलते अरे नहीं मन में अगर खाने की इच्छा हो ना तो चोरी चोरी नहीं कहलाती। भाई ईमानदारी ये थी कि अपनी सहेली के लिए करती थी, खुद के लिए नहीं करती थी। हाँ, ना? ये यहाँ पर बात है ना? जी, बहुत बड़ी बात। सॉरी माफ। अब हम लोग 30-40 साल पहले वाली चोरी आज माफ कर आज माफ ठीक है। दीपा बिटिया और क्या बताएंगे जी, एक बात थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, थोड़ी सी कोई नहीं बता दो हम लोग बता बता दें। मैं उसके लिए कहना चाहती हूँ कि अब हम जब साथ में रहते हैं तो एक ही शहर में रहने से दोस्ती बढ़ जाती है, मिलना करना होता है, वीकेंड्स पे हम लोग मिलते हैं तो जिंदगी के भी अपनी अतरंग बातें भी हम उनके साथ शेयर करने लग जाते हैं। तो कुछ वक्त ऐसा बीच में आया कि उतार चढ़ाव जिंदगी में, तो उतार कुछ ज्यादा ही आ गया। तो मैं उसके लिए ये बताना चाह रही थी कि परेशानी जब मेरे चेहरे पे आती थी ना तो दुख उसके चेहरे पे दिखने लग जाता था, और अगर कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया तो वो कहती थी नहीं सब ठीक हो जाएगा सब हो जाएगा, और वो कहीं से कुछ तो ऐसा इंतजाम कर देती कि दीपा को थोड़ी आसानी हो जाए, उसको सहूलियत हो जाए। और आज भी हमारी और उसकी दोस्ती कुछ ऐसी ही चल रही है। हाँ, कभी वो मेरे साथ मैं उसका साथ दे देती हूँ, कभी वो मेरा साथ दे देती है। तो बस मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा एक दोस्त हम सबके जीवन में जरूर जरूर होना चाहिए, और ऐसा दोस्त जैसा कि अभी हमें लगता है बहुत भावुक हो रही हैं तो इन्होंने बताया नहीं, मतलब आर्थिक रूप से भी मदद करने वाला दोस्त हो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कि अगर आपकी परेशानी के समय में भी शब्दों से आपकी भावनाओं से बाकी चीजों से संभल देते हैं, लेकिन आर्थिक मदद जो है बहुत कम चुने हुए ही मित्र करते हैं, बातों में देते हैं, वो भी किया, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्त वो जो समझ जाए, जी समझ जाए बिना कहे, क्योंकि ऐसे में जब क्या होता है कि आपको पैसों की जरूरत होती है तो कहने वाले को भी बहुत संकोच लगता है और लगता है कहीं दोस्ती बिगड़ ना जाए, तो वो दोस्ती वही है जो सब स्थिति में बनी रहे जी बिल्कुल। तो ये मेरा अनुभव है, बिल्कुल सुनेगी तो शायद बाद में बोलेगी इतना सब बताने की क्या जरूरत है। तो आप किसी और सहेली के बारे में बताया था ना, उसके बारे में तो बताया ही हाँ, उसके बारे में उसके बारे में नहीं बताया, हाँ तो वो तो बिल्कुल अलग है ना, ठीक है फिर तो कोई बात ही नहीं है, वो कुछ नहीं कहेगी और कोई बुरी बात भी नहीं है जो उसने किया ना, देखो ये हमारी एक सखी ने एक कोई बात नहीं कह देना, दूसरी वाली की बात है, उस वाले की दूसरी वाली बिल्कुल सही बात है, एक और झगड़ा कर ली जी। हमारी सखी ने एक संदेश साझा किया है, जैसे अभी दीपा ने बताया ना कि अपने कॉलेज टाइम में कैंटीन में हमारे समूह की एक लड़की डोसा लेती थी और हम सभी लड़कियां उसी डोसे के साथ बारी बारी से सांभर लेते थे। तो भाई ये तो जी, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, थैंक यू। तो ऐसा होता था, कितनी बार सामान लिया जाता था, जितनी हमारी सखियां हैं, जितनी हमारी सखियां हैं उससे ज्यादा अनगिनत बार लिया, अनगिनत बार। तो अभी हमारे संग नेहा बिटिया भी हैं, मंजू बिटिया भी बाकी हैं, तो तरह तरह की बातें हमारे साथियों ने तो साझा की हैं, और बराबर हमारे साथी जो हैं वो फेसबुक यूट्यूब सबसे जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश सबके भाई पढ़ना, इस वक्त आप समझ रहे हैं कि लगातार हम फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, और इसमें वैसे हमारे बाकी जो साथी हैं वो मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि आप कार्यक्रम का मजा ले रहे होंगे। तो नेहा बिटिया को बुला लें राजू? हाँ हाँ बिल्कुल, हम इंतजार कर रहे हैं, नेहा जल्दी आओ। क्या बात, हमें लग रहा है साइकिल से आ रही है, वो वाली जिसमें दोनों तरफ छोटे छोटे पहिया लगा होता है, है ना, पहिये वाली साइकिल, ट्राई साइकिल से आ रही है, पहिया चार पहिया, दो इधर एक इधर एक इधर, छोटा छोटा, हाँ गिर ना जाए। चलो कोई बात नहीं, इसको अब हमने ऊपर कर दिया है साइड वालों को सपोर्ट को जी, स्वागत तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपने और सभी को बहुत बहुत बधाई सखी सहेली के इस जन्मदिन के अवसर पर। और जैसा कि आपने कहा है कि अपनी सखी के बारे में अगर हम कुछ कहें जी, तो सबसे पहले तो मुझे मेरी माँ याद आती है जो मेरी सबसे पहली सखी रही, और उनसे सारी बातें शेयर करते हैं, उनकी संगत का असर भी बहुत है मेरे अंदर। और उसके अलावा अगर हम बात करें स्कूल की सहेली की, तो जब मैं 11वीं में थी तो 2-3 महीने की पढ़ाई के बाद हम शिफ्ट हो गए थे उड़ीसा, क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई थी, इसलिए उड़ीसा में उड़ीसा मीडियम होता है, तो मेरी पढ़ाई थोड़ी रुक गई जी। तो उस वक्त मैं अपनी पढ़ाई को लेकर काफी चिंता में रहती थी, और जब हम आए थे तब एक दो सहेलियों का ही पता हमें मालूम था, तो उन्हें ही चिट्ठी लिखा करती थी, उनकी चिट्ठियाँ आती थी। तो एक दिन एक अचानक से एक चिट्ठी आई, और वो चिट्ठी एक ऐसी सहेली की थी जिससे स्कूल में मेरी बात तो होती थी काफी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी चिट्ठी आई, क्योंकि उसको पता नहीं दिया था, उसका पता नहीं था मेरे पास।
लेकिन उसको किसी तरह से ये मालूम चला कि क्योंकि ये उड़ीसा शिफ्ट हो गई है तो पढ़ाई कैसे चल रही होगी, तो इसलिए उसने हमारी क्लास टीचर से पूरी जानकारी लेकर उस चिट्ठी में लिखा था कि किस जगह मैं जा सकती हूँ, कैसे, कहाँ फॉर्म भर सकती हूँ, कहाँ पत्राचार से आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ। तो वो चिट्ठी पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब वो चिट्ठी आई तो 10-15 दिन ही बाकी थे और मुझे फटाफट फॉर्म वगैरह मैंने भरा और उसके बाद उसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि मैंने आगे की पढ़ाई की मैं कर पाई जी। और नेहा बिटिया ने पढ़ लिया तो आज यहाँ बैठी है, हम लोगों से बतिया रही है, अपने ढेर सारे श्रोताओं से बतिया रही है, कितनी अच्छी बात है। तो नेहा बिटिया को तो धन्यवाद देंगे, लेकिन उसके संग संग इनकी उस सहेली को भी धन्यवाद देते हैं जिसकी वजह से इन्होंने पढ़ाई की। तो ऐसी ऐसी सहेलियां होती हैं, ढेर सारा प्यार। और ये जो बातें हैं वाकई जो है दोस्त ऐसा ही होता है, हालांकि लड़कियों में अक्सर ऐसा होता है कि नोट्स मांगो तो देती नहीं है सहेलियां। नहीं बुआ, ऐसा नहीं होता, मतलब दो सहेलियां तो हमारी भी ऐसी रही हैं जो 9th से साथ रही हैं और उन्होंने हमेशा, चाहे हम लोग महीनों बात ना करें लेकिन जब बात होती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सारे दिल की बात वो हमारे जानती है और हम उनकी बात सब समझ लेते हैं, वही बात होती है। तो ये बहुत खास रिश्ता होता है, रिश्ता जो जहाँ पर ये लगता है कि हमारी बात कहीं और फैलेगी नहीं। तो नेहा बिटिया बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक साथी ने संदेश लिखकर भेजा है कि जब 2004 में, वैसे लिख रहे हैं कि सखी सहेली प्रोग्राम शुरू हुआ था, तब मैंने सोचा था कि ये विविध भारती ने क्या बकवास प्रोग्राम चालू कर दिया, अच्छे खासे गाने चलते रहते थे दिन भर विविध भारती पर, लेकिन ये क्या महिला संबंधित प्रोग्राम चालू कर दिया। उन दिनों में अक्सर 3 से 4 बजे तक रेडियो बंद कर देता था कि ये प्रोग्राम सुनना ही नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के दिनों में सखी सहेली सुनने लगा तो बस तब से लगातार सुनता ही आ रहा हूँ। आगे भी सखी सहेली प्रोग्राम ऐसे ही लोकप्रियता हासिल करता रहे और श्रोताओं का मनोरंजन करता रहे, आगे के लिए शुभकामनाएं। वाह क्या बात है, मतलब देखिए इनकी नापसंद को हमने पसंद में बदल दिया और ये हमारे संग जुड़ गए, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद तो अभी मंजू बिटिया भी देंगी, नेहा बिटिया ने पैनल संभाल लिया है और ये इन्होंने बिल्कुल अपना दोनों हाथ अस्त्र शस्त्र पे रख लिया है, बिल्कुल रख लिया है। तब तक बुआ एक संदेश पढ़ लेते हैं। ये हमारी साथी कह रहे हैं कि बुआ जी अगर दोस्त बनाने की बात है तो इसमें तो मैं माहिर हूँ। अच्छा। मेरे दोस्तों का दायरा बहुत बड़ा है, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ एक सर्किल बना ही लेती हूँ। हम स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दोस्त आज भी हर 1-2 महीने में मिलते रहते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं जी। और जब हम लोग मिलते हैं तो लगता है फिर वही स्कूल वाला दिन वापस आ गया। हम लोग खूब मस्ती करते हैं, अभी 4 दिन पहले भी हम सब मिले, इसलिए दोस्ती मेरे लिए मायने रखती है। दोस्त कहना है कि सब मिल रहे हैं, सब मेरी वजह से हो पा रहा है। ऐसे ही होता है क्योंकि देखो माला जब बनती है तो उसमें बहुत सारे मोती होते हैं या फूल बहुत होते हैं, धागा सिर्फ एक होता है, तो ऐसा ही होता है, आप ही हैं वो। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि उद्घोषिका बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। जब 2 जून को सखी सहेली नाम से इसका शीर्षक रखा जा रहा था तो क्या वहां पर कोई पुरुष उपस्थित नहीं था, क्योंकि इस सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम में जानकारी वाले बातें सिर्फ सखी ही नहीं सुना करती हैं बल्कि सखा भी उन बातों को ध्यान से सुना करते हैं, ज्ञान वर्धन किया करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि कार्यक्रम के बीच बहुत सुंदर मधुर फिल्मी गीतों को सुनाया जाता है कि इसे पुरुष भी सुनते हैं और महिलाएं भी सुनती हैं। मैं भी इस कार्यक्रम को अपनी झपकी और नींद को तोड़कर आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम का। कार्यक्रम में पुरुष भी अपने अच्छे कमेंट्स के लिए जरिए विषयों के अनुसार अपनी बातों को लिखते रहते हैं। मेरा एक आग्रह है कि पुरुषों से संबंधित उनकी समस्या और सुझाव को भी विषय बनाकर कभी कभी शामिल करें ताकि हमारे विविध भारती के पुरुष श्रोता मित्र अपनी 2 लाइन के कॉमेंट को लिख सकें। तो भाई बात बहुत अच्छी है, सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे बहुत सारे जो विषय, जैसे आज विश्व साइकिल दिवस है, इसमें हमारे पुरुष भी पूरी तरह से भागीदार होते हैं और व्यंजन भी हमारे बहुत सारे साथी बताते हैं। और हम सिर्फ महिलाओं से संबंधित बातें ही नहीं करते, हम तो ऐसी बातें करते हैं जिसमें घर परिवार की बातें होती है, भावनाओं की बातें होती है, तो भावनाएं तो क्या स्त्री क्या पुरुषों की भी होती है, या हम पड़ोसी से धर्म के मिलनसारियत की बात करें, या कहीं मेहमान घर में आ रहे हो तो हम किन बातों का ख्याल रखें, या हम कहीं घूमने जाएं तो हम क्या करें, ये सारी बातें हम सबके लिए बराबर से होती हैं। या बच्चों की पढ़ाई की बात हो या पालन पोषण की बात हो, ये सब चीजें, बच्चों के संस्कार की बात हो, ये सारी चीजें दोनों की जिम्मेदारी है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ज्यादा लग रहा होगा, तो खैर कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे, लेकिन हम मंजू बिटिया का भी तो ख्याल रखेंगे। मंजू बिटिया का स्वागत करते हैं, आइए मंजू जी और अपनी बातें साझा करें। तब इससे पहले हम एक संदेश और अगर मिल जाता है अच्छा सा तो हैप्पी बर्थडे टू यू वाला पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि चलिए पहले आप बता दीजिए। प्रणाम बुआ जी और राजेश जी नमस्कार, नेहा जी नमस्कार, सभी सखियों सहेलियों को नमस्कार और सभी को इस सखी सहेली कार्यक्रम के वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई।
और देखिए जब सखी या सहेली की बात होती है तो जीवन के किसी भी मोड़ पर सखी मिले तो अच्छा ही लगता है, ऐसा लगता है जीवन में बाहर आ जाती है। और जब सखी बनती है उसका कोई ना कोई कारण तो होता ही है, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें होती है, जैसे आज देखिए आप पिंक, मैं पिंक, जी बिल्कुल पिंक, और दो पिंक मिले तो मैरून बन गया। हाँ देख लो, बिल्कुल नहीं नहीं असल में ना बुआ देखिए ना ये भी थोड़ा पिंक के आसपास ही है, जमीन जो है वो पिंक ही है। हाँ, तो जमीन पर रहना बहुत बॉर्डर बस हो गया है थोड़ा सा जी। तो ऐसे ही जीवन के कुछ रंग अगर आपस में मिलते हैं तो सखियां बनना निश्चित ही हो जाता है। मैं बात करूं तो जो सबसे मेरी पहली बार जो सखी बनी जिसकी वजह से मुझे ये पता चला कि सखी या सहेली कितने मायने रखती है या सखी का होना कितना जरूरी है या उसके होने के कितने फायदे हैं, तो मैं आज उस सखी की बात करना चाहती हूँ। बहुत छोटी थी मैं शहर में रहती थी माता पिता के साथ, और मेरी वो जो सखी जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो मेरे मामा की लड़की थी, वो गांव में रहती थी। अक्सर हम किसी भी त्योहार पर या किसी खास मौके पर गांव जाते थे, और गांव का जो रहन सहन था उससे मुझे बड़ा लगाव था, मुझे बड़ा सीखने की इच्छा थी कि गांव में काम का चूल्हा कैसे जलता है, घर को कैसे लीपा जाता है, वो मांडने जो बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, और घर में जो गायें थी उनका कैसे पालन पोषण होता है उनके बारे में जानने की, फिर ये सारी बातें जो उसने मुझे बड़े प्यार से सिखाई। इसके साथ हमारे घर के आंगन में एक थोड़ा छोटा सा एक अमरूद का पेड़ था, तो उस पेड़ पर कैसे चढ़ना, कैसे अमरूद को तोड़ना, ये सारी बातें उसने मुझे सिखाई। कुएं से पानी कैसे भरना, एक बार मैं जिद कर बैठी कि मैं तेरे साथ चलूंगी, मुझे भी ना सिखा कि कैसे ना कुएं से पानी भरा जाता है, तो वो मुझे साथ में ले गई। तो फिर वहां जाने के बाद मैंने जिद करी कि मैं भी आज सिर के ऊपर घड़ा रख करके चलूंगी, तो उसने मुझे बहुत मना किया कि देख मुझे तो आदत है, चूंकि वो मेरे से 3 साल बड़ी भी थी, तो कहती है मुझे तो आदत है लेकिन तुझे आदत नहीं है, रहने दे। तो मैंने कहा नहीं, तू उठाती है ना मैं भी उठाऊंगी। तो उसने एक छोटा वाला घड़ा मेरे सिर पर रख दिया, लेकिन चूंकि मुझे आदत नहीं थी बुआ जी, तो वो आधे रास्ते में ही गिर गया और उस समय वो तांबे और पीतल के घड़े हुआ करते थे, तो चूंकि वो पत्थर पर जाकर के गिरा तो एक बहुत बड़ा उसके अंदर एक वो कहते हैं ना वो गड्ढा बन गया, मतलब धस गया वो, अब निशान आ गया बिल्कुल। अब घर जाते हुए वो डरे कि नहीं मम्मी मुझे डांटेगी कि आज तुमने गिरा दिया और इतना बड़ा नुकसान कर दिया। उस समय इस तरह की घटनाएं होना मतलब बहुत बड़ा नुकसान होता था। घर गई और जैसा कि उसने सोचा था माँ की थोड़ी सी डांट पड़ी, अरे ऐसे कैसे गिरा दिया, कुछ जाती पानी, लेकिन उसने मेरा नाम नहीं लिया और खुद के ऊपर ही सब ले लिया कि हाँ आज मेरा पैर फिसल गया, गीला था, ये था, वो था, इस तरह के बहाने बना करके, और उसने उस बात को संभाल लिया। और ताउम्र मतलब अभी तक, हालांकि अब हमारी मुलाकात काफी कम होती है, शादी करके वो कहीं और चली गई है, मैं कहीं और हूँ, तो इस वजह से मुलाकात कम होती है, लेकिन वो बातें जो है वो हमारे जहन में बसी हुई है, और जब भी मिलते हैं तो उन बातों को, बहुत सारी गांव की बातों को बहुत याद करते हैं। और मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने इतने सारे काम करना जो शहर में रह करके सीखना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन था, खेती बाड़ी के बारे में कहाँ से जानकारी मिलेगी शहर में, लेकिन गाँव में रह करके उसने मुझे सारी बातें सिखाई। और वो मुझे अब देखो घर में बागवानी करने को काम आती है ना, तो इसलिए मैं उसके शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी उसे याद करती हूँ। बहुत बढ़िया बात है, बागवानी करने के काम तो आती है लेकिन एक जुड़ाव जो हो जाता है खेतों से, जमीन से जुड़ने वाली बात और प्राकृतिक चीजों से जुड़ाव जो होता है वो ऐसी सहेलियों की वजह से आता है। तो और बुआ जी पानी की बचत करना ये भी उसी ने मुझे सिखाया, क्योंकि कुएं से पानी भर के लाना पड़ता था, तो मुझे इस बात की समझ आई कि एक घड़ा या दो घड़ा पानी लाने के लिए कितना मुश्किल है। तो ऐसे जिस चीजें होती है साथ के वजह से हमें आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथी ने लिखा है कि आप सभी के जीवन में परिवार के सदस्य की तरह शामिल हैं, मैं शामिल हूँ, आप सभी हमारे जीवन में परिवार के सदस्य की तरह शामिल हैं, नित कार्यक्रम को सुनते हुए अपनेपन का एहसास होता है। प्यारी बुआ जी जब भी आप साथी उद्घोषिका बहनों को स्नेहिल स्वर में बिटिया बहुरिया संबोधित करती हैं तो उनका संबोधन दिल छू जाता है, उनसे और साथी बहनों से हमें भी बहुत अपनापन लगता है, अब तो बहुत आराम से सुनती हूँ, वरना सेवा काल में तो विद्यालय से छुट्टी होते ही बहुत जल्दी लगती थी घर आने की, कहीं सखी सहेली शुरू ना हो जाए, इस जल्दबाजी में मैं एक बार बाइक से टकरा गई थी, लगी नहीं थी ज्यादा सखी सहेली, मैं इसे हर तरह की ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं, सखी विशेष में विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में जानकारी पर्यटन और वो दिन याद करो व्यंजन विधियां बहुत पसंद आते हैं। तो और हमें इनका साथ बहुत पसंद आता है, ये जब आते हैं और अपने अपने अच्छे अच्छे सारे संदेश देते हैं, और कई बार तो कितने अच्छे अच्छे व्यंजन भी होते हैं ना बुआ जी। हाँ, अभी देखिए हमारे एक ये साथी ने जो एक ये किया है संदेश भेजा है कि मेरी सहेलियां मेरे जैसी तड़ी मारकर फिल्म देखने वाली,
अच्छा। एक सहेली ऐसी थी जो मेरा अचार पराठा खाती, मजबूरन मुझे उसका खाना पड़ता था, लेकिन वो दिन सुहाने थे, ना भूलने वाले, छिछोरी हरकतें लेकिन उदंतता नहीं। तो भाई थोड़ी बहुत शैतानी तो हो ही जाती है। हाँ, चुलबुली बने वाली होती थी, जब से हम लोग पकड़न पकड़ाई खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, उसमें किसी के भी कपड़े उठा लिए जाते थे, या घर घर बनाने वाला जो खेल होता था वो अपने ढंग से होता था। और हमारे संग आज आरती बिटिया भी आई हुई है, विशेष तौर से इस कार्यक्रम से जुड़ी है, तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आरती बिटिया का, और इनको भी जोड़ते हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि इनकी भी बहुत सारी यादें हैं। तो कार्यक्रम में स्वागत है। वैसे हमारी साथी लिख रही हैं, बहुत सारे संदेश इन्होंने लिखा है, सखी सहेली अलबेली प्यारी दुलारी चहकती रहे महकती रहे। तो अब देखते हैं कि आरती कैसे चहकती हैं। आरती चहक आपको और राजू जी आपको बहुत-बहुत नमस्कार और नमस्ते सभी को। और मैं अपना एक किस्सा शेयर करूंगी जो कि मेरे 10th क्लास का है, और समझ लीजिए मेरी पहली सखी थी वो। जब मैं 10th में आई थी तो मेरे पापा का ट्रांसफर का जॉब था, तो जाना पड़ता था अलग अलग शहरों में। तो हम नए शहर में आए तो नया स्कूल ज्वाइन किया, तो वहाँ पे ना घबराई हुई सी रहती थी जी, और बहुत ही कम बोलती थी, अपना हेड डाउन करके डेस्क पर मैं बैठी रहती थी। तो अचानक से एक दिन बहुत ही किसी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ के एकदम मेरा शेखन के हाथ में लाया और चली गया एकदम से। मैं जब तक सिर को उठा कर देखो तब तक कोई भी नहीं जी। अक्सर होता है ना कि जब सर नीचे जाके बैठे हैं तो आप कहीं और चले जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। तो अब अक्सर यह होने लगा, रोज होने लगा, और मैं रोज कोशिश करती कि नहीं अब मैं देखूंगी अब पकड़ूंगी कौन है। फिर एक दिन मैंने कहा कि अब तो मैं देख ही रहूंगी कौन है। तो फिर मैंने जल्दी से उसका हाथ एकदम से पकड़ लिया, और उसने जब उसने हाथ मिलाने की कोशिश करी तो फिर उसने एकदम से मुझे देखी हंसी और बोली अब नींद खुली तुम्हारी इतने दिनों बाद। उसके बाद हम बेस्ट फ्रेंड बन गए, और नीचे की सीट से मैं आगे की सीट पे आ गई, और सारी टीचर्स वगैरह जो मुझे समझाती थी कि बोला करो, अब वो बहुत तारीफ करने लगी कि आप बोलने लगी जवाब देने लगी। तो भाई साथी जो होते हैं ऐसे आत्मविश्वास बढ़ा देते हैं हमारा। फिर और क्या क्या करती थी तुम? और हम यही करते थे कि पूरे जितने भी हमारी गैंग सी बन गई थी गर्ल्स की, जैसे कि जूनियर्स हो उसमें जूनियर भी लड़कियां थी, उसमें सीनियर भी थी जो थी वो भी थी। तो सब जो प्रिंसिपल मैम थी वो आती थी कहती थी अरे सभी को हुआ क्या एकदम से इतना चेंज कर सकता है। तो भी कहती थी बहुत बहुत अच्छा किया तुमने अपने आप को बदला, बहुत जरूरी है अपने अंदर बदलाव भी करा। बहुत बहुत धन्यवाद आरती। और हमारे जो साथियों की हम बात करते हैं तो वाकई यही होता है कि जो हमारा असली मित्र वही होता है जो हमारे जो भी गुण हैं उनको और उजागर करे, उसमें और बढ़ोतरी करे, और जो भी हमारे अवगुण हैं उनको कहीं ना कहीं बताकर, बड़े धीरे से बताकर उसमें कुछ कुछ बदलाव की कोशिश करें, और वो परिवर्तन जो है साथियों में फिर दिखाई देने लगता है। और हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, राजू तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। नहीं नहीं, हम तो आपकी बात सुन रहे हैं ना कि क्या भाई बता रही हैं बुआ, कोई सहेली के बारे में बताएंगे, आप नहीं बता रही तो चलिए हम बता देते हैं हमारी एक सहेली की, बचपन की सहेली। और हमारा पुराना घर था बगिया वाला। अच्छा। तो सब उसको बगिया वाला घर बोलते भी थे। बाहर खूब बड़ी सी बगिया थी जिसमें बेल के पेड़ थे, कनेर के बड़े बड़े, मतलब ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पुराने पेड़ थे बहुत। और उसी पेड़ में क्या हुआ कि फिर एक दिन हमारे जो एकदम उस घर से सटा हुआ एक घर था वहां हमारी सहेली रहती थी। और गर्मी की छुट्टियां जब होती थी तब सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये होती थी कि हम लोग धीरे से कहते थे कि अब खेलने जाना है, दोपहर में कहाँ नींद आती थी, तो मना था। तो धीरे से कहते थे कि फुसफुसा के कहते थे सुनिए तो। अच्छा। फिर हम लोग क्या करते थे कि हम धीरे से ऐसे निकलते थे कमरे से बाहर। अच्छा। चुपके से, और उसको ऊपर से वो खिड़की से लटकी रहती थी ऊपर की खिड़की से, और हम उससे कहते थे कि वो आती थी ऐसे करके करती थी। तो एक दिन उनकी बड़ी दीदी सुन रही थी, कहने लगी तुम लोग फुसफुसा के सारे प्लान बना लेती हो। और हम लोग का चक्कर ये रहता था कि जैसे ही पता लगता था कि अंदर का कूलर बंद होने की खट की आवाज आई, वैसे ही दोनों अलग अलग अपनी अपनी जगहों पे पहुंच गए। हमने काम तो वॉशरूम गए थे, वो अपने घर तुरंत भाग गई, कुछ हुआ ही नहीं। तो बस ये शैतानियां जो है वो मतलब मजा आती है याद करके। और वो जो फुसफुसाहट वाली बातें थी वो वाकई बहुत मजेदार होती थी। और उसके बाद चोरी अगर पकड़ी जाए तो उसके बाद कहीं दूर हो जाना और वैसे दिखाना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन कुछ तो हुआ है। हमारे संग अनुश्री पाठक जी भी हैं जिनकी सहेली के संग भी कुछ हुआ होगा, बहुत सारी यादें होंगी। तो स्वागत करते हैं अनुश्री पाठक जी का, बताएंगी कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। और भाई हम अपने साथियों को बता दें कि थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन बात वैसे ही जैसे राजुल बिटिया ने भी बताया ना फुसफुसा के, तो फुसफुसाहट वाली आवाज तो पहुंच ही रही होगी। तो थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा कि सहेली बतिया रही है। जी बुआ जी आपको बधाई रहे हैं, राजुल नेहा बहुत सारे लोग सभी को सखी सहेली के जन्मदिन की हार्दिक बधाई।
वैसे तो सहेलियां बहुत सारी होती है, स्कूल में हमें मिलती है, कॉलेज में मिलती है, फिर जैसे मॉर्निंग वॉक वाला ग्रुप, शादी के बाद का ग्रुप, तो अलग अलग सहेलियां मिलती ही है जी। लेकिन मैं बात करूंगी आज के सखी सहेली की, क्योंकि वैसे तो बहुत सहेलियां होती है लेकिन सखी सहेली मेरे जीवन में आई रेडियो ज्वाइन करने के बाद। मैं तो अलग स्टेशन पे कार्यरत थी, वहां दूसरे कार्यक्रम शुरू मुझे देखने पड़ते थे, लेकिन जब सखी सहेली शुरू होता था तो वो काम करते करते मेरे कान रेडियो के तरफ लगे रहते थे, मैं आवाज बढ़ा देती थी जी। और ऑफिस का काम करते करते इसमें जो सौंदर्य टिप्स बताते हैं, रेसिपीज बताते हैं, वो लिख लेती थी और घर जाके उसको ट्राई करती थी। तो ये सहेली, सखी सहेली जो है वो मेरी सच्ची सहेली उस समय बन गई थी, और आज इस कार्यक्रम का मैं एक हिस्सा बन गई हूँ, इंचार्ज हैं आप। तो इसका मुझे बहुत, मतलब बहुत खुशी है, और मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन का एक अनमोल क्षण है कि मैं इस प्रोग्राम के द्वारा अपने सभी सखियों से बात कर रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे थोड़ा सा कार्यक्रम में बढ़ रहा है आगे, तो हमें उम्मीद है कि हमारे सभी साथी जो हैं और स्टेशन से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा इसमें मतलब कहना चाहिए कि हमें खेद है, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो इस समय सहयोगी लोग हैं, गणेश जी हैं, विनायक मंगेश जी हैं, नेहा जी अभी पैनल पर बैठी हैं, जुबेर जी हैं, आशीष जी हैं, भावना जी हैं, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, अनुश्री जी आपका, और हमारे सभी जो साथी हैं उन सब का हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज ये विशेष कार्यक्रम जो हमने फेसबुक पर सजीव किया और यूट्यूब पर सजीव किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सारी टीम को। कंट्रोल रूम में हमारे सभी साथी बैठे हैं, बहुत सारे हमारे श्रोता जो हैं, हमारी कॉलोनी के लोग हैं, जो हमारे कहना चाहिए जो कार्यालय के लोग हैं, उनके परिवार के लोग ये कार्यक्रम देखने और सुनने आए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ अब कार्यक्रम एंजॉय करने के लिए और सखी सहेली का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कॉलोनी के बच्चे भी आए, तो उनका भी धन्यवाद। तो इसी के साथ आप सभी को राजुल और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। क्या बोल रहे हो, क्या लगाना बताओ, मैं तो वो दो ना, मुझे मैं तो दो ना, कोई तो मुझे कैसे समझ में आएगा। फेसबुक पर अभी लाइव हो तुम लोग? हाँ अभी लाइव है। लो आ जाओ सब लोग, आओ फटाफट आओ, आओ आओ पीछे आओ, आ जाओ आ जाओ सब लोग, आओ ना, क्यों ऐसे सब आ जाओ, चलेगा ना, एक पहले ले लो ना, इस पे देखा एक फोटो देख ले, वन बाय वन ले लेंगे ना, इस पर रख दो अलग बात, वन बाय वन ले लेंगे, आ जाओ सब लोग, आ जाओ आ जाओ पास में, मेरा 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 मेरा, हाँ हाँ क्लोज आओ ना सब, इधर से आ जाओ तो और आ जाओ नजदीक ना, आ जाओ यहाँ इधर आओ, मैं खड़ी हो जाऊंगी तो मुश्किल है, कुर्सी पर एक दिन बैठ जाओ ना, कोई भी आ जाओ इधर, तो आज इधर बैठ जाओ, मैडम आप दिखेगा, मैडम आइए, ये निकाल दो, चलो बाय बाय, सब बाय बाय बोलो, अभी भी तो ऐसे कर लो भाई, कुछ तो बोल दे, ऐसे क्या खत्म हो चुके हैं फेसबुक लाइव, यस स्माइल, हैप्पी बर्थडे टू यू सखी सहेली, हैप्पी बर्थडे टू यू, may God bless you, may God bless you, happy birthday dear Sakhi Saheli, happy birthday to you.